हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी जूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज के इस सेशन में, जिसमें 10 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा गेमिटोजेनेसिस करने वाले हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों करने वाले हैं। ठीक है, अब यार स्टार्ट कर देते हैं। देखो, गेमिटोजेनेसिस क्या प्रोसेस होता है, जहाँ पर गेमिट की फॉर्मेशन हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। अब यहाँ पर हम लोग अपनी एनसीईआरटी में दो पढ़ते हैं, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पर हो रही है स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो हमें पता है कहां पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और वहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, जिससे आपका पूरा स्पर्म बनता है। अब हो क्या रहा है, देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2N नंबर है, यानी कि डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम इसके पास है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर होती है माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बस सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, और ये कौन सी स्टेज पे हो रहा है, जब वो मेल प्यूबर्टी में आ चुका है। कब हो रहा है, प्यूबर्टी में हो रहा है। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनियम के अंदर होती है ग्रोथ, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं, और ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, अभी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉयड इन नेचर है, यानी कि पूरे 46 क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इसमें होती है मियोसिस वन होगी मेरे बच्चों, यानी कि क्रोमोसोम नंबर होगा रिड्यूस, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब जब हाफ हो जाएगा, हमें पता है कि मेल्स में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक में एक्स जाए और दूसरे में वाई जाए, इस तरह से क्या होगी, डिवीजन होगी। अब यहां पर देखो, मियोसिस वन के अंदर, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस वन होता है, तो बनता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि NN नंबर होता है, यानी कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, एक के पास एक्स चला गया, एक के पास वाई चला गया। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी, मियोसिस टू होगी। मियोसिस टू में क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, कोई डिवीजन नहीं होती है, क्रोमोजोम का रिडक्शन नहीं होता है, बस डिवीजन होती है। ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट से हमारे क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड बन जाएंगे, जो कि NN नंबर होंगे। अब इन स्पर्मेटिड्स में क्या होगी, कुछ चेंजेस होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगी, साइज सही बैठाएंगे, और ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस फेज को हम लोग बोलते हैं, जब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होता है ग्रोथ फेज, और फिर होता है मैच्योरेशन फेज, जो कि सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन लेकिन ध्यान रखना है कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में स्पर्मेटोजेनेसिस बोला गया है या स्पर्मियोजेनेसिस बोला गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देख लो, नेक्स्ट आ जाते हैं अब ओजेनेसिस पे। अब मैंने बताया था स्पर्म बनना शुरू होता है जब वो प्यूबर्टी में आता है, लेकिन फीमेल्स थोड़ा वक्त से आगे चल रही हैं, जब वो फीटल स्टेज में होती हैं तभी क्या होता है, ओवा की फॉर्मेशन होने लग जाती है, यानी कि ओसाइट बनने शुरू हो जाते हैं जब वो फीटल स्टेज में थी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, फीटल स्टेज में क्या है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं पीजीसीज, यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल, जो होते हैं 2NN नंबर। अब ये डिप्लॉयड है, इनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, माइटोसिस यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा और बहुत सारे ओगोनिया बन जाएंगे। इन ओगोनिया में ग्रोथ होगी, इनमें चेंजेस होगी, और क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट बनेगा, और ये भी अभी तक क्या है, डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना, ये मियोसिस वन के अंदर जाएगा और वहां पर उसके फेज वन के डिप्लोटीन वाली स्टेज में जाके अटक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। कब तक अटका रहेगा, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए। ठीक है, कब तक अटका रहेगा, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए, और तब तक क्या होता है, बहुत सारे जो ओगोनिया हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और बहुत सारे जो डीजनरेट नहीं होते हैं उनमें क्या बन जाते हैं, फॉलिकल्स ऐड होते रहते हैं और वो मैच्योर होते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है प्यूबर्टी के टाइम पर मियोसिस वन कंप्लीट करता है, और जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट होगी तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा और हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिवीजन होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट क्या है, हैप्लॉइड है।
अब डिवीजन की बात करें तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट बड़ी होती है और पोलर बॉडी छोटी सी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट ये वो ओसाइट है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था ना, जो रिलीज हुआ था वो ओवा नहीं था, वो ये सेकेंडरी ओसाइट थी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गई है, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाती है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगी, ये सेकेंडरी ओसाइट किसके अंडर चला जाएगा, मियोसिस टू के अंदर, और वेट करेगा किसका, स्पर्म का, क्योंकि ये मियोसिस टू तभी कंप्लीट कर सकता है जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करे, ठीक है। तो यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये सेकेंडरी ओसाइट ओवा बनाएगा, अगर नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो क्या हुआ है, मियोसिस टू के अंदर गया, मियोसिस टू के मेटाफेस टू में जाके ये अरेस्टेड है, अभी ये ना रुका हुआ है, स्पर्म का वेट कर रहा है। अब स्पर्म क्या करता है, ध्यान से सुनो, स्पर्म आएगा, स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, और जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करता है उसके तुरंत बाद ये मियोसिस टू के मेटाफेज टू से बाहर निकल के आता है, एनाफेज में आता है, फिर टीलोफेज में आता है, और अपनी मियोसिस टू कंप्लीट करता है। और उस टाइम पे भी क्या होती है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, और एक बनता है ओवा और दूसरा बनता है सेकेंड पोलर बॉडी, और ये वो ओवा है जिससे आगे जाके स्पर्म फ्यूज होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसमें भी तीन फेजेस है हमारे पास, एक है मल्टीप्लीकेशन, एक है ग्रोथ, और तीसरा है मैच्यूरेशन वाला फेज। याद क्या रखना है इसके अलावा, कि यह जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, फीटल स्टेजेस में हो रहा है। और जब तक एक विमेन अपनी प्यूबर्टी में आती है, एक लड़की, तो वो प्यूबर्टी वाली स्टेज पे क्या होता है, 60 to 80,000 ओगोनिया ही रह जाते हैं उसकी ओवरी में, ईच ओवरी, है ना, ए 60,000 से 80,000 इधर पर, 60,000 से 80,000 इधर पर, ठीक है। अब बाकी का पूरा प्रोसेस कब होती है, जब वो प्यूबर्टी में आती है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट कब हो रहा है, जब वो प्यूबर्टी के अंदर आती है। मेल के अंदर डिफरेंट था, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस ही कब हो रहा है, आपके प्यूबर्टी वाली स्टेज पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट से, तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत कम टाइम में आपके सामने यह आ चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कंसेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक गैमेटोजेनेसिस के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय बच्चों।